और इसी बीच आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई है, जो भी ये जानकारी मिल पा रही है। बहुत बड़ी घटना है ये। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी गई थी और उनकी हत्या हो गई है। अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। हालांकि तफ्तीश अब लगातार जारी है, लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी वारदात आपको बता रहे हैं हम, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। शाइना एनसी इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शाइना जी, बहुत आश्चर्यजनक और बड़ी घटना है ये। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी और उनकी हत्या हो गई है, उनकी मौत हो गई है, इस वक्त जो जानकारी मिल रही। बहुत ही अफसोस हो रहा है। हम निजी रूप से भी बाबा सिद्दीकी जी को जानते थे और मैं नहीं ये न्यूज को कंफर्म आप कर सकते हैं क्योंकि आप चैनल के द्वारा आपको शायद कुछ जानकारी है, लेकिन एक मुंबईकर के नाते पुलिस अपना काम जल्द से जल्द करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर, ये जो एक सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को कानून का खौफ होना बहुत जरूरी है, और इस पर्टिकुलर केस में जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्यों हुआ। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि उनके परिवार को एक ढंग से भगवान सलामत रखें और उनका ख्याल रखें। बिल्कुल शाइना जी, जैसा आपने कहा कि एक जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश छानबीन होनी चाहिए। बहुत बहुत बड़ी एक घटना है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हैं, आपको अपडेट हम एक एक देते रहेंगे किस तरीके से पूरा मामला जो निकलकर सामने आए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।